अभी शहर के लोगों को अब गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। पहाड़ों में हो रही हल्की बर्फबारी से देश भर के उत्तरी भागों में सर्द हवाओं ने दस्तक देना प्रारंभ कर दिया है। बीते दिनों में हवाओं में नमी घटने से सुबह शाम के मौसम में ठंड का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे आसार हैं, साथ ही इस बार सर्दी का मौसम लंबे वक्त तक भी रहने की संभावना है। तो वहीं एक निजी संस्थान की माने तो इस समय ला नीना की स्थिति बन रही है, जिसके चलते इस बार कड़ाके की सर्दी के साथ साथ मौसम लंबा रहने की भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में बीते करीब एक हफ्ते से रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश भर के तमाम जिलों में बीती रात में पारा 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक राधेश्याम शर्मा की अगर माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर के सभी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश में बीती रात के तापमान की अगर बात करें तो राजधानी में 15.6 डिग्री, अजमेर में 14.6 डिग्री, पिलानी में 12.9, कोटा में 14.3, सवाईमाधोपुर में 15.2, डबोक में 12.8, चूरू में 11.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दो तीन दिनों से राज्य के अधिकांश स्थानों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। अगले दो तीन दिनों में राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का प्रभाव रहेगा और विशेष रूप से राज्य के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान चूरू में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास उत्तरी राजस्थान में दर्ज होने की संभावना है।